तो गाइस यार वेलकम बैक अगेन टू अनदर ब्रांड न्यू गेम प्ले। और गाइस यार आप लोग यही सोच रहे होंगे आखिर यार मैं कहाँ घूम रहा हूँ पहाड़ों के अंदर। तो गाइस यार आज मैं और मेरे काफी सारे दोस्त आए हैं पिकनिक करने के लिए। अब अरे ये क्या अब तुम लोगों ने अभी तक कुछ काम ही नहीं किया है। अरे समित भैया क्या काम करना है, अब तुम लोगों ने आज से पहले पिकनिक नहीं की क्या, अभी तक आग भी नहीं जलाई तुम लोगों ने, शाम होने वाली है रात हो गई तो। अरे समित भैया तो होगी ना। अब यार तुम लोग सभी पागल हो, किसी ने कोई काम नहीं किया। अबे यार टीवी मैन टीवी कर कोई तो काम करो कुछ। अरे एक सेकंड, सबसे पहले तो मैं इसकी क्लास लगाता हूँ। अरे समित भैया किसकी क्लास लगाओगे? टोनी तू वैसे बहुत ज्ञानी बनता है पर तुझे ये नहीं पता कैंपिंग के अंदर क्या क्या करना होता है। मुझे कुछ भी नहीं पता है। और यार किसी को ही कुछ नहीं पता है तो चलो चलो जल्द जल्दी काम शुरू करते हैं। तो मेरी बात सुनो, हल कहाँ पर है? अरे हल्क वहाँ क्या कर रहा है? आइला, अरे वो पाता बहुत तेज है। कहना क्या चाहता है पाता बहुत तेज है? वो इतनी दूर बटा दी सिंचन भी पाता है। हल्क को इन्होंने दूर बटा दिया, हल्क कभी नहीं पाता। हल्क जो पाता उसमें खुशबू आती, हल्क को इतनी दूर सबसे दूर बैठाया। अबे यार तुम लोगों ने बेचारे हल्क को इतनी दूर बिठा दिया। अरे छोड़ो छोड़ो, सब लोग कैंपिंग का सामान इकट्ठा करना शुरू करो। चलो मैं ग्रुप बना देता हूँ। समित भैया कौन सा, इंस्टाग्राम या फेसबुक का? अबे नहीं, काम करने का ग्रुप, सभी लोगों को काम दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा करने के लिए। अरे सही है, हल्क को वहाँ सुला दिया वरना हल्क रात को पाद पाद के हमारी नींद खराब कर देता। सही कह रही हो तुम भी मेरी बीवी। अरे वो तो सही है हल्क, वरना मेरे साथ सोने की बात कर रहा था, मेरे को तो परेशान ही कर देता वो। अरे अरे ठीक है ठीक है। अरे समित भैया मैं तो पा दूंगा। थोर भी पा देगा रात को तेज तेज ओडिन पुत्र थोर। ओए डस लूंगा। आइला अरे मजा आएगा आज तो कैंपिंग करने में, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। हल्क और थोर तुम लोग लेके आने वाला हो खाना जाके, ठीक है? आया तुम लोगों को समझ? मतलब सुमित भी अच्छा चिप्स नहीं लेके आए क्या? अबे कैंपिंग के ऊपर खुद लाना पड़ता है खाना। हल्क खाना लाएगा बकरा मार के, थोर को तो चिकन खाना है। हाँ जो भी तुम्हें खाना है वो तुम लोग ढूंढ के लाना और पकाना और खाना, ठीक है? मतलब हमें भी खिलाना, अकेले मत खा लेना, ठीक है? सारा का सारा। ओके सेकंड काम देता हूँ मैं लकड़ियाँ कलेक्ट करने का। तो लकड़ियाँ कौन कलेक्ट करके लाएगा, क्योंकि आग लगानी भी तो जरूरत है ना, कौन कौन बचा है? ओके वेनम, वेनम और स्पाइडरमैन तुम दोनों लकड़ियाँ लेने जाओगे। आइला सर जी पागल हो गए, इसके साथ जाऊंगा मैं। वेनम डस लेगा। आइला किसी और को भी भेज दो मेरे साथ, ये मेरे को बीच में लकड़ी समझ के काट डालेगा। वेनम डस लेगा। आइला सर जी प्लीज, सर जी सुमित सर जी प्लीज, किसी को और को बुला लो यार। तो चलो गाइस यार यहाँ पर स्पाइडरमैन को डर लग रहा है वेनम के साथ जाने में, तो एक काम कर टोनी तू क्या कर रहा है, इधर आ जा। चल तुम तीनों जाना लकड़िया कलेक्ट करने। ओके अरे सुमित तुम भी यार किसके साथ मुझे भेज रहे हो, अब मैं लकड़िया कलेक्ट करूंगा। हाँ हाँ लकड़िया कलेक्ट करनी होगी, तुम तीनों जाओगे लकड़िया लेने के लिए, ठीक है? टीवीमैन इधर आ, क्या देख रहा खड़ा खड़ा? ओके तो हम तीनों जाने वाले पानी लेने के लिए। समित भैया बहुत तेज आ रहा है, टॉयलेट कर तू क्या? अबे वो पानी नहीं। अरे मुझे नहीं लेके जाओगे क्या? मुझे भी कुछ काम करना है, मुझे भी ले चलो, मैं क्या करूंगी? अरे हाँ इनको भी लेके चलो यार, ये क्या करेंगे यहाँ पर अकेली? चुप करो यार, वो लड़की है, लड़की को यहाँ पर आराम करने दो, हम लोग रहे काम करने के लिए। तो चलो दफा हो यहाँ से सारे के सारे। तो गाइस सब लोग यहाँ से जा चुके, अब हम लोग जाते हैं पानी लेने, लेट्स गो। हाँ समित भैया जल्दी चलो पानी लेने चलते हैं। साइमी तुम लोगों को पिकनिक का पी भी नहीं पता है, वो तो मैं आ गया वरना तुम लोग तो पिकनिक नहीं मना पाते। अरे सुमित भैया अब क्या ही बोले यार, हम लोग इतने जीनियस है ना, इतने छोटे मोटे काम याद नहीं रहते हमें। चुप करो ठीक है ना, एक काम करते हैं सेल्फी लेते हैं यार, काफी मस्त मौसम हो रहा है। समित भैया यार जंगलों में तुम्हें सेल्फी लेनी, जंगली जानवर आ जाएंगे। अबे गाइस यार देखो क्या गुड न्यूज है यार, मेरे 1 मिलियन होने वाले, सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलो सेल्फी से चीज चलो फोटो खींचते, एकदम मस्त मौसम है यार। हाँ चलो कल इसको इंस्टाग्राम पर डालूंगा, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया मुझे तो जाके फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मिलियन के बहुत ज्यादा करीब है यार अब हम। अरे समित भैया अब क्या करना है, अब मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो? पानी कलेक्ट करो यार, उठाओ पानी यहाँ से। समित भैया किसके अंदर उठाए, अब बोतल लेके आना का चाहिए था ना। अरे समित भैया देखो टीवी मैन उठा रहे, अब वो अपना मेहमान है यार, तू कितना बेशरम सिंचन, तू भी तो मदद कर उसकी पानी कलेक्ट करने में। अरे समित भैया वो कर लेगा, उसको सीखने दो तेरी ऐसी तैसी। मैं ग्रैंडी इनकी पिकनिक को तबाह कर दूंगी, मैं जाकर उस टीवी गर्ल को उठा लूंगी और उसके बाद ये लोग टीवी गर्ल को ढूंढते रहेंगे। पर एक चक्कर ये है कि टीवी गर्ल को मैं यहाँ कैसे बुलाऊं, ये सही है मैंने मेरा रूप चेंज कर लिया है। अरे अरे बेटी मेरी बात सुनो बेटी,
अरे आंटी जी क्या हो गया? अरे मेरी बेटी, मेरा बच्चा वहाँ नीचे गिर गया, मेरी मदद करो, वो बहुत नीचे है, मैं बुढ़ापे में इतने नीचे नहीं जा सकती, मेरी मदद करो। अरे आंटी कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ, चलो कहाँ पर आओ बच्चा, मेरे पीछे पीछे आओ, इसको थोड़ी सी दूर ले जाकर इसको उठा लूंगी। अरे आंटी कितनी दूर और जाना है? थोड़ा सा और दूर जाना है बेटी। इसको बस थोड़ा सा आगे ले जाकर इसको पकड़ लूंगी। मेरे पैर में पड़ी मोच आ गई। मेरी बेटी आ गई है, मैं देख लूंगी आंटी, आप टेंशन मत लो। ये आगे गई और ये ले। मैंने टीवी गर्ल को पकड़ लिया, अब मजा आएगा बिड़ू। अब मैं टीवी गर्ल का यूज करके अपना काम निकलवा लूंगी इन स्मिथ और अवेंजर से। ओके तो गाइस यार हम लोग पानी लेके आ चुके, और यहाँ पर क्या चल रहा है भाई साहब? ये क्यों नाच रहा है भाई हल्क? इतना ज्यादा क्यों खुश हो रहा है तू? हल्क ने आग लगाई, देखो देखो हल्क ने पहली बार आग लगाई। अरे समित भैया डेली तो डेली आग लगाता है, ये पागल कहीं का? अच्छा तुम लोगों ने आग जला ली। हल्क तो कमाल करता है, ओडिन पुत्र थोर ने भी तुम्हारी मदद की है। हल्क ने खुद किया है अकेले सब कुछ। हाँ हाँ ठीक है तुमने सब कुछ अकेले किया है, ज्यादा खुश मत हो। अबे यार ये लोग बिना अजीब है सही एकदम। मैं भी कैसे मूर्ख लोगों के साथ आ चुका हूँ, दिमाग ही नहीं इन लोगों में। वैनम डस लेगा। एक काम कर मेरे पिछवाड़े को डस ले, जब से डस लूंगा कर रहा। आइला इसे बच के रहो टोनी सर जी। अरे वो सब तो ठीक है, मेरी टीवी गर्ल कहाँ है? अरे टीवी गर्ल कहाँ चली गई? यही तो थी टीवी गर्ल। अरे क्या टीवी गर्ल गायब हो गई? अरे टीवी गर्ल कहाँ चलेगी सुमित? अरे मुझे क्या पता, मैं तो तुम लोगों के साथ गया था ना। हल्क को लगता है कि टीवी गर्ल यहीं कहीं पर घूमने गई होगी, बोर हो गई होगी ना। ओडिन पुत्र थोर भी यही कहता है, वो बोर हो गई होगी इसलिए यहीं कहीं पर भटक रही होगी पागल तरह। अरे टाइम वेस्ट मत करो, एक काम करो सभी लोग फैल जाओ और जल्दी देखो कि टीवी गर्ल कहाँ पर, उसको बुला के लाओ यार, रात हो रही है भाई, जंगल में सेफ नहीं है। किसी को मिली टीवी गर्ल? अरे नहीं मिली किसी को भी। अब सिंचन तू मेरे बगल में खड़ा है ठीक है ना? हल्क को नहीं मिली, यहाँ पर टोनी को भी नहीं मिली है। अबे यार ये क्या लफड़ा, किसी को टीवी गर्ल मिली नहीं रही है। मेरी टीवी गर्ल कहाँ चली गई? मेरी टीवी गर्ल को ढूंढ के लाओ। अरे ये कैसी आवाज आई? अरे ये क्या भाई, ये कैसी आवाज निकाल रही है? जोकर? अरे ऐसे में भी जोकर नहीं है, वो खरगोश है। हाँ हर को खरगोश। अरे क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता है कि आखिर टीवी गर्ल कहाँ गई है। क्या ये खरगोश बोल रहा है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, टीवी गर्ल को असल में ग्रैनी उठा कर ले गई। क्या ग्रैनी आई थी यहाँ पर? हाँ, वो उसे धोखे से अपने साथ ले गई है। ग्रैनी उसे उठा कर ले गई, उसके ऊपर पीछे से वार किया। ओह नो गाइस यार ये तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई, हमें टीवी गर्ल को अकेला ही नहीं छोड़ना चाहिए था यार, ग्रैनी आके टीवी गर्ल को उठा लेगी, हम लोग क्या करें? सुमित कैसे करके मेरी गर्लफ्रेंड को वापस लेके आओ। टेंशन मत लो यार, मैं तुम लोगों को यहाँ पर पिकनिक पे लेके आया, तो टीवी गर्ल को मैं ही ढूंढ के लाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। आ जा सिंचन चलते हैं जल्दी से यार, मुझे ढूंढना होगा आखिर कहाँ गई है टीवी गर्ल, उस ग्रैनी की छोड़ूंगा नहीं। गाइस यार अभी तुम्हारा भाई आ चुका है ग्रेवयार्ड के अंदर, और यहाँ कौन मिलेगा हमें सोचो? सुमित भैया वही भूतिया पार्टी। हाँ सिंचन सही बोल रहा है, तो गाइस यार यही कहीं पर होनी चाहिए भूतिया पार्टी, और उन लोगों से पूछता हूँ आखिर यार ग्रैनी की बच्ची गई कहाँ पर है यार, टीवी गर्ल को लेकर छोड़ूंगा नहीं उस ग्रैनी को। आखिर ये क्या चल रहा है स्लेंडरमैन, आखिर हमसे आजकल कोई डरता क्यों नहीं? ऐसा लग रहा है डेली हमारा खौफ कम होता जा रहा है, इसका क्या कारण होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर इंसान डरता ही नहीं, हर कोई ग्रेवयार्ड के अंदर खेलने आता है, भूतिया पार्टी का तो नाम खराब हो गया। अले तुम तो मजाक मत करो, तुम तो भूत ही नहीं लगते, तुम डे बाय डे दोकल बनते डाले हो, दोकल की दोकल। दोकल को देख के तो हल्को डरता कौन है, हल्को हंसता है दोकल को देख के, इतने कोई डरता ही नहीं हम लोग। तो क्या ही बताओ, तूने मेला नाम और थलाप तल दिया था यार, तू एक नंबर का पागल है यार, मैं तो तेता लेना ही नहीं है यार, ज्यादा मुंह मत चलाओ ठीक है ना। ओए चोकर के बच्चे चलिए बता ग्रैनी कहाँ पर है, लोकल वाली बेइज्जती पिलते। अरे सुमित क्या हो गया, मुझे क्यों मार रहे तुम फालतू में? अबे ग्रैनी कहाँ पर है जल्दी बता मेरे को। अरे ग्रैनी का मुझे क्या पता ग्रैनी कहाँ पर है, अबे तुम लोगों के साथ ही तो रहती है वो। अले क्या पता है, कई महीनों से हमारे साथ ही नहीं ले ली वो। क्या? अरे हाँ हमारी उसकी लड़ाई हो गई, हम उससे बात नहीं करते, वो अपने आप को मुखिया समझती है, मुखिया तो मैं हूँ ना,
अले मुखिया तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, तुम अपने आप को फालतू में मुखिया समझते हो। अरे चुप करो यार, तुम लोग हमेशा मजाक करते रहते हो। ये मजाक नहीं है मुखिया, मैं ही हूँ। अरे जोकर के बंदर मेरी बात सुन, चुपचाप। अरे सिंचन बटर चिकन, ए चुप कर। अरे मेरी बात सुन जोकर के फूफे, सुन एक बात सुन। हमारी जल्दी सी ग्रैनी को फोन मिला और उसको पूछ कहाँ पर लेके गई है वो टीवी गर्ल को। क्या टीवी गर्ल को लेके गई है? हाँ हाँ, वो टीवी गर्ल को किडनैप करके लेके गई है और हमें पता लगाना वो कहाँ लेके गई है। अरे फिर तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? तुम लोगों को तो ग्रैनी के पास जाना चाहिए ना। अबे ग्रैनी पता नहीं है ना कहाँ पर, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ तू अपनी भूत या ताकतों का यूज करके ग्रैनी को यहाँ पर बुलाए। अले हम लोग उसे क्यों बुलाए? अगर तुम लोग नहीं बुलाओगे तो मैं सिर्फ वाट लगाने वाला हूँ तुम लोगों की, तुम लोग याद रखोगे ठीक है ना किसने इतना बुरा मारा। अले ठीक है हम लोग बुलाते हैं, टेंशन मत लो। सुन मैं और सिंचन जाके कहीं छुप रहे हैं, तुम लोग जब तक ग्रहणी को बुलाओ जल्दी से, ठीक है जल्दी से। अले ठीक है तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, तुमित हम लोग छुप रहे हैं और उसको जाने मत देना यहाँ से, ठीक है? अरे ठीक है सुमित प्लीज, पर हमको मारने मत। ओके बाय बाय बाय। ओके तो गाइज यार यहाँ पर रात हो चुकी और तुम्हारा भाई और सिंचन देखो यहाँ पर छुप कर बैठे और ये दोनों बुला रहे हैं भूतिया पार्टी वाले ग्रहणी को। बस यहाँ पर ग्रहणी आ जाए और उसके बाद उसको पकड़ लेंगे और भाई उससे पूछेंगे आखिर उसने टीवी गर्ल को क्यों किडनैप किया है। अले यार मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती, तेले तात लेता हूँ तो मेरी बहन क्यों बत्ती हमेशा। अरे चुप कर यार, दिमाग खराब हो रहा है पहले ही, जल्दी सी बुला ग्रहणी को। अले तुम बुलाओ ना, मैं क्यों बुलाऊ, मेरे को पिटना है क्या? अरे यार दिमाग खराब कर दिया तुमने और सुमित के बच्चे ने, ठीक है मैं ही बुलाता हूँ ग्रहणी को। ग्रीम ग्रीम ग्रैनी ग्रैनी ग्रीम ग्रीम ग्रैनी, हाँ उड़ते चिल्लाओ ग्रीम ग्रीम ग्रैनी ग्रैनी ग्रीम ग्रीम ग्रैनी। अले तिंतन यहाँ पर क्या कर रहा है? कहाँ पर है सिंचन? अले ये लाना तुम्हारे बगल में। अरे सिंचन यहाँ से जाओ तुम, वरना वो यहाँ पर आएगी नहीं। अरे मुझे माफ करना, मेरे को लगा कि कोई छोले भटूरे बांट रहा है। अले कहाँ पर छोले भटूरे? अरे तुम लोग मूर्ख हो बिल्कुल, जाओ यहाँ से सिंचन। ग्रैनी ने तुम्हें देख लिया तो वो यहाँ पर आएगी नहीं। ओए सिंचन के बच्चे इधर आता तू चुपचाप। हाँ जल्दी जाओ यहाँ से सिंचन। हाँ अब सही है। अले देखो वो आगे ग्रहणी तुम्हारे पीछे, पीछे देखो तुम्हारे पीछे। कहाँ पर? अले तुम्हारे पीछे अंधे ग्रहणी। क्या काम है तुम्हें मुझसे पेनीवाइज? ग्रैनी वो असल में मुझे काम है तुमसे, वो काम असल में ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊँ तुमको। चुपचाप साफ साफ बात करो कि तुम्हें क्या काम है, मुझे भी कुछ और जरूरी काम है, चुपचाप बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे ग्रैनी वो असल में वो तुम्हारा काम ये है कि, अरे स्लेंडरमैन क्या कर रहे हो, चुपचाप अपना काम करो ना। ओए ग्रैनी की बच्ची तेरी ऐसी तैसी। अरे ये क्या पेनीवाइज, तुमने मुझे धोखा दिया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुन, उससे बात मत कर, मैंने उसको बोला ये करने के लिए। चुपचाप ये बता दे आखिर टीवी गर्ल को तूने कहाँ छुपाया, वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अले तुम यहाँ से नहीं जा सकती ग्रैनी, मैंने मेला जादू मंतल दिया है तुम्हारे ऊपर। हो गया ना सुमित तुम्हारा काम, अब हम लोग जाए यहाँ से। हाँ चले जाना। ग्रैनी ये बताओ आखिर तुमने टीवी गर्ल को क्यों उठाया? मुझे अब पता नहीं होगा, असल में ये हुआ था। मम्मी आज खाने में क्या बनाए? मेरे बेटे आज मैंने एक डिलीशियस चीज बनाई है। मम्मी मम्मी क्या बनाया है जल्दी दिखाओ, मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा तेज, प्लीज। देखो बेटे मैंने तुम्हारे लिए आज ऑमलेट, परांठे, परांठे और टमाटर की सब्जी बनाई। अरे मम्मी आप तो बेस्ट है मम्मी। तेरी मम्मी तेरी बेस्ट है, पता और क्या कहेगा। अरे मम्मी बाहर कोई गेट फुड़का रहा है, कौन आ गया, मेरे को खाने में नहीं देते लोग आराम से। अभी आई मैं बेटा देख के, किसकी ऐसी तैसी हो रही है, किसकी हिम्मत हुई कि मेरे बेटे को डिस्टर्ब करने की, खाते वक्त मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कौन है? ओए ग्रैनी, तुम कौन हो? चुपचाप अंदर चलो वरना यही पर ही तुम्हें मार डालूंगा। ओए ग्रैनी मुझे मार दो, मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज, मेरा एक ही बेटा है, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज, जो तुम कहोगी वही मैं करूँगी। आया ना उठ पहाड़ के नीचे, तुम्हें असल में टीवी गर्ल को उठा के लाना होगा, टीवी गर्ल को मेरे पास लेके आओ, फिर मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, जब तक मैं तुम्हारे बेटे को अपने पास रखूंगा। जाओ अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो। ठीक है मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं जाकर उस टीवी गर्ल को उठा लाऊंगी, प्लीज मेरे बेटे को मत मारना, मैं जा रही हूँ तुम्हारा काम करने। मैं इस स्कैबी टॉयलेट्स को छोड़ूंगा नहीं। मैंने इसलिए उठाया था टीवी गर्ल को, वरना मैं क्यों उठाती उसे। तू टेंशन मत ले ग्रैनी, तू कहाँ पर अभी टीवी गर्ल? मैं तुम्हें अपने आप दे दूंगी जब तुम मेरे बेटे को लेके आ जाओगी।
ग्रैनी तू टेंशन मत ले ठीक है, तू बस टीवी गर्ल को उनको दियो मत ठीक है, अगर लास्ट ऑप्शन बचता तो ही दियो, मैं जाके तेरे बेटे को बचा के लाऊंगा। शुक्रिया तुम्हारा शमित बहुत ज्यादा। अरे रो मत यार अब ठीक है, चल ग्रैनी तू भी चली जाए यहाँ से ठीक है। अरे समित भैया छोड़ेंगे नहीं उसके बेटे टॉयलेट्स को, उसने ग्रैनी के बच्चे को उठाया है, ग्रैनी को यूज करा है, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो गाइस यार यहाँ से ग्रैनी जा चुकी है, तो गाइस यार आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ गई होगी। असल में यार स्किबिडी टॉयलेट्स ने बंदी बना लिया ग्रैनी को बेटे के लिए और उसको मजबूर किया टीवी गर्ल को उठाने के लिए। और गाइस यार ये तो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल बनता जा रहा है। तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई जा रहा है उसको बचाने के लिए, किसको? ग्रैनी को बेटे को ठीक है, उसके बाद हमें टीवी गर्ल हमें वापस मिल जाएगी। आ रहा हूं उसके बेटे टॉयलेट्स। तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई आ चुका है ग्रैनी के घर के पास, देखो वो रहा ग्रैनी का घर, और देखो यार कितने सारे स्किबिडी टॉयलेट्स वहां पर। अरे समेत भैया ग्रैनी का बेटा कहां पर है? रुक जा एक सेकंड देखता हूं ग्रैनी का बेटा कहां पर। तो गाइस यार देख रहे हो वहां पर कितना खतरनाक वाला स्किबिडी टॉयलेट है। ओ गाइस यार देखो वो रहा ग्रैनी का बेटा वहां पर। अरे समेत भैया क्या प्लान होने वाला है, कैसे बचाओगे ग्रैनी के बेटे को? सिंचैन मैंने असल में टीवी मैन की पावर उससे उधार मांग लिया। समेत भैया ये कब हुआ? वो सिंचैन हो गया, मैं बाद में बताऊंगा मैंने कब उसकी पावर उससे उधार मांगी। पर देख सिंचैन अभी तुम्हारा भाई बन चुका है अल्टीमेट फ्रैंकलिन टीवी मैन। तो गाइस यार इस पावर से मैं स्किबिडी टॉयलेट्स को छोड़ने वाला नहीं हूं। सबसे पहले मैं इस ऊपर वाले को मारूंगा, 1 2 3 फुल स्पीड में, एक बार में एक ही पंच में मुझे इसको उड़ाना होगा, एक भी मौका नहीं देना है उसको। बूम ये ले। तो गाइस यार ये आ गया मैं यहां पर, ये ले तेरी ऐसी तैसी, इसको तो मैं अभी बताता हूं साले। ओए एक सेकंड यार, यहीं पर तो था ग्रैनी का बेटा, कहां चला गया वो भाई साहब, कहां चला गया? हेलो ग्रैनी के बेटे। अरे ये कहां चला गया यार, भक्के पता नहीं यार, इनकी ऐसी तैसी यार, कितने सारे स्किबिडी टॉयलेट्स हैं यहां पर, इन सबको मारना होगा मेरे को एक एक करके। ये ले तेरी ऐसी तैसी, इसको तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा। बे कहां गया यार ग्रैनी का बेटा, यहीं पर तो था, कहीं यार इस गेट में तो नहीं घुस गया? एक सेकंड गेट के पीछे देखता हूं कौन है यहां पर। हेलो ग्रैनी के बेटे। अरे यार यहां पर और भी स्किबिडी टॉयलेट्स है। अबे यार यहां पर कितने सारे स्किबिडी टॉयलेट्स हैं, सही में एक को भी नहीं छोड़ेगा तुम्हारा भाई, सबको मार डालेगा। ओ गाइस यार एक स्किबिडी टॉयलेट नीचे भाग गया अभी, अबे उसको बताता हूं कहां गया यार वो। अबे यार यहीं था शायद, वो नीचे की तरफ गया होगा, कहां गया होगा? अबे कहां गया भूतनी के, बाहर निकल, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जल्दी से मुझे ग्रैनी के बेटे को वापस दे दो जिससे मैं टीवी गर्ल को बचा सकूं। और गाइस यहां पर देखो ये रे और स्किबिडी टॉयलेट्स, इनको तो भाई लेजर से भून डालूंगा मैं। ओके तीनों को मार डाला। ओए ग्रैनी के बेटे, ग्रैनी के बेटे। गाइस यार उसकी तो आवाज नहीं आ रही है, कहां गया भाई ग्रैनी का बेटा? भाई पता नहीं कहां चला गया, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ग्रैनी के बेटे, अरे यार यहां पर भी नहीं है, आखिर कहां गया यार? घर से बाहर तो नहीं भाग गया वो, कहां चला गया? दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कहीं पर भी। तुम्हें पता है कि वो कहां पर चला गया? मैं बाहर जाकर चेक करता हूं आखिर वो कहां गया है। ओए ग्रैनी के बेटे। अबे यार यहां पर और भी ज्यादा स्किबिडी टॉयलेट्स है, अब इनको बताता हूं तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम ग्रैनी के बेटे को उठाओगे। गाइस यार अगर आप लोग चाहते हो मैं ग्रैनी के बेटे को बचा लूं तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार क्या कर रहे हो आप लोग? बूम बेबी। अरे यार मैं एक बार घर के चारों तरफ ही देख लेता हूं, यहीं कहीं पर होगा शायद यार, कहीं छुप के तो नहीं बैठ गया होगा। तुम्हें दिखाई दे रहा है कहीं पर? बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। ओए ग्रैनी के बेटे, अरे कहां चला गया भाई साहब? यार मैंने उसको देखा था यार, मैंने जैसे यार उस खतरनाक वाले स्किबिडी टॉयलेट को मारे का, मैंने उसको देखा था। समेत भैया यहां पर आओ, यहां पर। अबे सिंचैन की आवाज आ रही है, कहां सिंचैन? समेत भैया यहां पर। गाइस यार आवाज आ रही उस तरफ से, जाके देखता हूं। अबे ओए ये रहा, ओए ये तो जी मैड स्किबिडी टॉयलेट है। अरे समेत भैया इसने हमें बंदी बना लिया है। ओ गाइस यार ये रहा। समेत मैं पहले सिर्फ ग्रैनी के बेटे को मारना चाहता था, अब तो मेरे को दही हाथ में लग गई, मतलब सिंचैन भी मुझे मिल चुका है। स्किबिडी स्किबिडी इसे मारकर मजा आ जाएगा। स्किबिडी 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 ओए उनको छोड़ दे आराम से, मैं तेरे को बता रहा हूँ। स्किबिडी स्किबिडी अपना पुराना हिसाब बाकी है, तेरी ऐसी तैसी, तू मेरे से हिसाब लेगा साले। ये ले गाइस यार सिंचैन यही आ रही हो, मैं इसको बताता हूँ अभी है। तू सिंचैन को किडनैप करेगा, तू ग्रैनी के बेटे को किडनैप करेगा है, तू टीवी गर्ल को किडनैप करवाएगा, साले तू होता कौन है? तेरी ऐसी तैसी, गाइस यार इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये ले तेरी भैंस की टांग। अबे ये कहाँ गायब हो गया, मर गया क्या वो? गाइस यार कहाँ गायब हो गया पता नहीं। ओ सिंचैन और ग्रैनी के बच्चे, अबे यार जाके देखना होगा कहाँ है वो लोग। ग्रैनी के बच्चे सिंचैन। अरे अंकल वो आपके भैया को उठा ले गए, सिंचैन को वो उठा ले गया। ओह नो शिट गाइस, यार दिमाग खराब हो गया यार, वो असल में सिंचैन को ले गए यहाँ से। माय गॉड यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है सही बहुत ज्यादा, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। चलो गाइस यार एक काम करता हूँ, ग्रैनी के बेटे को ग्रैनी को वापस लौटा जाता हूँ। चले ओके चलो गाइस यार चलते हैं जल्दी से ग्रैनी के पास जिससे हमें वो टीवी गर्ल वापस दे दे। ओके ये रहा तुम्हारा बेटा ग्रैनी, जैसा तुमने कहा था ये रहा तुम्हारा बेटा। ओके यार टीवी गर्ल भी यहीं पर ही है, जाओ तुम अपने बेटे से मिल लो। तुम्हारा शुक्रिया सुमित, बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम्हारा।
हाँ ठीक है ठीक है। टीवी गर्ल तुम ठीक थे ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने मुझे कुछ भी नहीं किया है। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हमने टीवी गर्ल को बचा लिया और साथ में ग्रैनी के बेटे को भी बचा लिया, पर एक ही बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज्यादा बड़ी वाली। अरे क्या हो गया सुमित? असल में उसके बड़े टॉयलेट ने सिंचैन को किडनैप कर लिया है। क्या? उसने अब सिंचैन को उठा लिया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं समित, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी भूतिया पार्टी तुम्हारे साथ है, हम इसके बड़े टॉयलेट्स को छोड़ेंगे नहीं। गाइस यार हम इसके बड़े टॉयलेट्स को सही में छोड़ने वाले नहीं है, पर गाइस यार सिंचैन को बचाना होगा। तो गाइस यार अब सिंचैन को बचाएंगे हम लोग नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर। गाइस अगर आप लोग चाहते हो इस वीडियो का मैं पार्ट टू लेके आऊं, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना पार्ट टू। और गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा। We're just getting started, I know that you want